हिम्मत तो नहीं कर रही मेरी, लेकिन अगर मैंने देखा नहीं ना, ओ भाई तो रात तो काफ़ी ज़्यादा बुरी कटी है आज की, क्योंकि बाहर नहीं जागना बाहर। ये देखो एक जानवर दिखाई दिया है मुझे, ये देखो ये रहा, दो हैं। इतने से बाहर जाने की हिम्मत नहीं बोल रही, यहीं पर से अपना कैंपिंग टेंट बंद कर लेते हैं और तब देखा जाएगा पार्टी। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए कैंपिंग ब्लॉग में। तो मेरा नाम है सौरभ करनियाल और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के एक खूबसूरत से गांव में जिसका नाम है जीवई। तो आज आ रखा हूँ मैं सोलो कैंपिंग पर और ये रहा मेरा सामान, देखो पानी की बोतल, बैग और कैंपिंग टेंट और बाकी जो सामान कैंपिंग के लिए लगता है ना वो सारा सामान। तो अभी तो मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, क्योंकि अभी मुझे ना यहाँ ये वाली जो चोटी है ना इसके ऊपर जाना है कैंपिंग के लिए और हमारी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहने वाली है और थोड़ी बोल सकते हैं कि डेंजरस भी। और डेंजरस इसलिए क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा भूत प्रेत का भी डर रहता है और इधर से ही एक छोटी सी नदी बहती है और उसी में जो है ना छल वगैरह भी पूजे जाते हैं, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। तो ऊपर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और पसीने से हालत जो है ना वो तर बतर हो चुकी है। तो मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठ रहा हूँ और यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दूर दूर के जो नज़ारे हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से निकल चुका हूँ अपनी लोकेशन की तरफ। तो अभी अभी मैंने ना एक हिरन देखा जो कि यहाँ पर से एकदम से नीचे को भागा। जो हिरन था ना वो उस पेड़ के सामने था और उसने जैसे ही मुझे देखा वो उधर साइड को भाग गया। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। एक तो आपको सुंदर सुंदर पशु और पक्षियाँ भी दिखाई देती हैं और कभी कभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जानवर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कभी बाघ दिख जाता है, कभी कोई और चीज़ भी जो कि हमें ना नुकसान पहुंचा सकती है। तो फ्रेंड्स अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन पर और लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखो इधर साइड चीड़ के पेड़ और ये हैं खजूर के पेड़।
ये देखो एक जानवर दिखाई दिया है मुझे, अकेला अकेला है, भाग रहा है इधर उधर। ये देखो ये रहा, दो दो हैं, एक ही यहाँ पे छुप रखा है, ये ठीक इस झाड़ी के सामने। ये देखो घुरा रहा है, उसके दोस्त जो है ना वो उधर चले गए हैं, वो देखो वो रहे, और एक यहीं पे। जो अभी छोटा सा जानवर दिखाई दिया ना मुझे, वो ना काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था, ऐसा लग रहा था कि वो काटने के लिए आ जाएगा, लेकिन वो तीन थे तो कुछ साथी जो थे ना उसके, वो चले गए थे उसको छोड़ के दूसरी साइड को, तो वो इसीलिए मुझ पर घुर्रा रहा था। देखो जब ज़्यादा ऊंचाई पे आ जाते हैं ना तो ऐसे ही ना जानवर दिखाई देते रहते हैं। देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज खाने में बनेगा चिकन, और चिकन को ना मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, तो आधा एक घंटे में जो है ना वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है, और ये देखो जो हम चिकन बना रहे थे ना वो अभी पक रही है चूल्हे में आराम से। तो कम से कम 15 मिनट तक तो इसको हमें पकाना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके जो है ना वो चिकन अच्छे ढंग से गलेगी। और अभी देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है चारों तरफ, और डर जो है ना वो काफ़ी लग रहा है। अभी मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ कि पीछे साइड को जो है ना कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। ये देखो ये कैंपिंग टेंट के पीछे का नज़ारा है, और ये है आगे की साइड का नज़ारा। अभी मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन मेरे साथ एक आधा फ्रेंड रहता ना मेरा तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगना था। अभी मेरा बाहर रुकने का मन नहीं कर रहा, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैंपिंग टेंट के अंदर बैठ जाता हूँ जब तक कि हमारी चिकन पकती हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हो चुका है हमारा चिकन बनके तैयार, तो इसको उतार लेते हैं, और अब जो है ना खाने की तैयारी करते हैं। तो रात का खाना तो हो चुका है बनके तैयार, अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बन रखा है। ये देखो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, अब चलो टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रखा है यार। इसमें जो हमने दही डाल रखी है ना उसका टेस्ट जो है ना वो सबसे अलग आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैंने खाना भी खा लिया है, और बाहर जो है ना बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और मैं जब खाना खा रहा था ना उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है ना जो वो हमारे कैंपिंग टेंट के आगे जो झाड़ियाँ हैं ना उधर साइड को कोई चीज़ थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि मैं जल्दी से अपना कैंपिंग टेंट बंद कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने ना अपना कैंपिंग टेंट भी बंद कर दिया है, और अब ना मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लग गई है यार। कैंपिंग टेंट बंद करते ही ये क्या ऐसी आवाज़ सुनाई देने लग गई है बाहर को। कोई जानवर वगैरह तो नहीं आ गया? ओ भाई पत्थर गिर रहे नीचे। देखो जब मैं खाना खा रहा था ना उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ है ना वो मुझे ना देख रही है बाहर से, लेकिन मैंने इग्नोर किया उस टाइम पे। ओ भाई नीचे तो पत्थर भी गिर रहे हैं यार। यार हिम्मत तो नहीं कर रही मेरी, लेकिन अगर मैंने देखा नहीं ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। नहीं नहीं बाहर नहीं जागना, नहीं जागना बाहर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। और पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर देखूँगा, लेकिन अब मुझे बाहर भी नहीं देखना, अब बिल्कुल भी बाहर नहीं देखना। चाकू चाकू कहाँ है मेरा? ये लो, मुझे पता था मैं बैग में रख देता हूँ कभी कभी चाकू।
अब तो मुझे लग रहा है इसी का सहारा है। कैंपिंग टेंट पे आती है ना तो मैं तो चला दूंगा अपना हथियार, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर भी एक बार ही देख ही लेता हूँ यार, देखा जाएगा। चाकू, चाकू भी पकड़ना पड़ेगा हाथ पे। देखो वो इधर ही किधर है यार, अगर जानवर है तो। अरे मेरी आग बुझ गई ना, इसीलिए जानवर वगैरह इधर आ गए। बस मेरा ना इतने से बाहर जाने की हिम्मत नहीं बोल रही, यहीं पर से अपना कैंपिंग टेंट बंद कर लेते हैं और सब देखा जाएगा बाकी। मैंने बंद तो कर दिया है कैंपिंग टेंट और थोड़े से अपने मन की ना तसल्ली भी कर दी कि बाहर जो है ना वो उल्टी वाली चीज़ नहीं है। उल्टी चीज़ से मेरा मतलब है कि भूत वगैरह। अब जो है ना थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो जाती है यार, इतनी खुली खुली जगह में पत्थर गिर गए से रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाहर ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली। रात की नींद तोड़ चुकी है मेरी, पक्का नींद नहीं आने वाली। फिर भी सोने की कोशिश करता हूँ, क्या पता गलती से आ ही जाए नींद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब उठ गया हूँ और अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जो है वो धूप नहीं निकल रखी, क्योंकि जब धूप निकल जाती है ना तो कैंपिंग टेंट पे साफ पता चल जाता है कि बाहर धूप निकल चुकी है। और रात काटने की बात की जाए तो रात तो काफ़ी ज़्यादा बुरी कटी है आज की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई रात को। बीच में मुझे नींद तो आ गई थी लेकिन फिर से जो है ना पत्थर गिरने की आवाज़ और जो झाड़ियाँ हिल रही थी ना बहुत तेज़ी से, वही सुन के मेरी नींद फिर से टूट गई, जिसकी वजह से ना फिर नींद ही नहीं आई। इसीलिए मेरी आंखें भी देखो अभी थोड़ी सी सूजी सूजी भी लग रही होंगी आपको। काफ़ी दिक्कत थी यार रात में ना, तो बाहर जाने का मन तो मेरा अभी भी नहीं कर रहा, लेकिन बाहर तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो चलो हिम्मत जुटा के चलते हैं बाहर को, बस कोई जानवर या कोई चीज़ हमें अभी सुबह सुबह नहीं दिखे तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं आ चुका हूँ कैंपिंग टेंट के बाहर और कल रात को जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी ना वो देखो, ये जो झाड़ियाँ हैं ना इन पे सुनाई दे रही थी, और ये हमारे कैंपिंग टेंट है ना जो इसके पीछे इधर साइड को, जानवर या बाकी और किसी चीज़ के तो यहाँ पे मुझे पैरों के निशान नहीं दिखाई दे रहे, और नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या चीज़ रही होगी कुछ पता नहीं चल रहा। और अभी मौसम की बात की जाए ना तो पहाड़ों पे जो है ना वो धुंध लगी पड़ी है चारों तरफ। मैं तो ये जो चीड़ है ना इन चीड़ के पेड़ों के बीच में था रात को, तो यहाँ पर से थोड़े दूर दूर के पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं ना उन पे धुंध लगी हुई दिखाई दे रही है। ये देखो जैसे कि ये सामने देखो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धुंध लगी पड़ी है। और मेरा ना यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि
जो मेरी रात कटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा बैठ रही है, तो मेरा यहाँ बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं है। और मैं ना जल्दी से जल्दी अपना कैंपिंग टेंट और बाकी जो सामान है ना वो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पैक करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन अब चाय ना घर पे ही पीऊँगा और अब अपना कैंपिंग टेंट उठा लेता हूँ यार और निकलता हूँ यहाँ से जल्दी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो चैनल पे नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट कैंपिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।